सतना जिले में चेंबर में घुसकर एसआई द्वारा गोली मारे जाने से घायल हुए टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उनके शरीर में फंसी गोली को डॉक्टरों की टीम द्वारा सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। गौरतलब है कि टीआई का समुचित इलाज करने के लिए भोपाल के चिरायू अस्पताल से डॉक्टरों की स्पेशल टीम हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंची थी। टीम में कार्डियो थोरेसिक सर्जन डॉक्टर विवेक कन्हारे, डॉक्टर निखिल पेंट से एनेस्थेटिक डॉक्टर अमित करनी और ओटी टेक्नीशियन राम गोविंद चौहान शामिल रहे। वहीं पुलिस ने टीआई चैंबर में बंद आरोपी एसआई को कस्टडी में ले लिया। इसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। वहीं एडीजी वेंकटेश्वर राव ने उसे बर्खास्त भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसआई बीआर सिंह सिविल लाइन थाने में टीआई शर्मा के अधीनस्थ था। 7 दिन पहले ही उसे पुलिस लाइन अटैच किया गया था। उसके खिलाफ विभागीय जांचें चल रही हैं। एसपी रीवा विवेक सिंह ने बताया कि दरवाजा बाहर से बंद हो जाने के कारण एसआई अंदर से चिल्लाने लगा कि एडीजीपी से मेरी बात करवाओ। गुस्से में उसी सरकारी पिस्टल से कमरे के भीतर 3 फायर भी किए जो दीवारों में जाकर धस गए।